इंडिया और इंग्लैंड का तीसरा यानी आखिरी T20 मुकाबला नॉटिंगम में खेला गया था, जिसमें कि इंग्लैंड ने इंडिया को 17 रन से हरा दिया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में कुल 215 रन का विशाल स्कोर बना दिया। इंग्लैंड की तरफ से डेविड मलान ने सर्वाधिक 77 रन बनाए। इंडिया की तरफ से बॉलिंग करते हुए आवेश खान ने 1 विकेट, उमरान मलिक ने 1 विकेट, रवि बिश्नोई ने 2 विकेट और हर्षल पटेल ने 2 विकेट निकाले। इंडिया की टीम को 216 रन का विशाल लक्ष्य मिला। इंडिया की शुरुआत काफी बुरी हुई थी। इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने सर्वाधिक 117 रन बनाए। इंडिया की टीम 20 ओवर में कुल 198 रन ही बना पाई, जिस कारण से वह मुकाबला 17 रन से हार गई। इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए डेविड विली ने 2 विकेट, रिशे टॉपले ने 3 विकेट, रिचार्ड ग्लेसन ने 1 विकेट, क्रिस जॉर्डन ने 2 विकेट और मोइन अली ने 1 विकेट निकाले। इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड रिशे टॉपले को मिला और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भुवनेश्वर कुमार को मिला।